मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और प्रत्याशियों से चर्चा की जा रही है कि उनके क्षेत्र में ये हार उनको कैसे हुई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण पाठक जी। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई हुई है, चर्चा की जा रही है, आप लोग से वन टू वन चर्चा की, क्या बताया आपने कि आखिर ग्वालियर में क्यों हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस? देखिए, मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आज भी आंतरिक लोकतंत्र स्थापित है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो परिणाम थे वो सकारात्मक नहीं रहे, आशा के अनुरूप नहीं रहे। इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी वो आज प्रदेश की राजधानी में आई हुई है। लगभग 27 जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे उनसे वन टू वन चर्चा की है और चर्चा में इन पक्षों को समझा है कि कहाँ क्या कमियाँ रह गई, कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी को भविष्य में होने वाले चुनावों में और कैसे अधिक सशक्त किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा। सर, आपने क्या बताया कि क्यों आखिर ग्वालियर में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा? क्योंकि प्रचार प्रसार में देखा था हमने और एक ये भी देखने को मिल रहा था कि ग्वालियर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, ऐसे में कहाँ चूक हुई, क्या कोई संगठन की कोई कमी रही या फिर संगठन का जैसा साथ चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया? देखिए, सामान्य जीवन में मेरा ये मानना है कि जब भी किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसकी कमियाँ भी उसकी हुनर लगने लगती हैं और जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका जो हुनर होता है वो भी लोगों को कमियाँ लगने लगती हैं। तो ये तो चुनाव में चलता रहता है, आप राजनीतिक जीवन में हो तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, सब चलता रहता है। जो जो कमियाँ रही हैं उस पर चिंतन की आवश्यकता है और मैं निरंतर इस पर आत्मचिंतन कर भी रहा हूँ। संगठन ने भी पूरा काम किया, पार्टी का पूरा सहयोग रहा, इन सबको मैं कभी दोष नहीं दूंगा क्योंकि ये जो बीज है, जो प्रवीण पाठक नाम का जो आज पौधा बना है, ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है उनके संरक्षण में ही यहाँ तक आया है। तो निश्चित तौर पर उनका कोई दोष नहीं है, कहाँ कमियाँ रहीं, स्ट्रेटजिकल कहाँ हमारी गलतियाँ हुई, उस पर विचार करेंगे, विचार आज किया भी और भविष्य में उसमें सुधार करेंगे। भीतर घात जैसी स्थिति तो नहीं बनी कि कुछ जो पार्टी के नेता थे वो साथ नहीं दे पाए या फिर एक दल बदल भी देखा था आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ये भी एक बड़ा कारण तो नहीं? देखिए, राजनीति में और युद्ध में ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि जब युद्ध में हमको विभीषण जैसे भाई मिलते हैं तो कर्ण जैसे मित्र भी मिलते हैं, तो इसमें ज़्यादा विचलित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्रवीण पाठक हैं और उन्होंने बताया कि ग्वालियर लोकसभा सीट में क्या कुछ स्थितियां बनी थी कि उनको हार का सामना करना पड़ा है। आज उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बताया भी है और उनका यही कहना है कि संगठन का तो उनको साथ मिला है और जिस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था वैसा चुनाव लड़ा भी है, लेकिन जो परिणाम थे वो उसके अनुकूल। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खिलाफ।